देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरे नीचे है इस तरह का व्यू, तो ये रहा मेन गेट, इसका आप देख हैंडल है, वो सब जितने भी गेट है वो सब का ऑपरेट करने के लिए ये सब हैंडल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डी चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फाइनली हम लोग आए हैं, जो देख सकते हैं मेरे पीछे मेन हाईवे रोड, और मैं जा रहा हूँ गारगा डैम। वो कार तरफ से आते हैं तो इस साइड से आइएगा, और अगर आप जेना मोड़ तरफ से आते हैं तो रामगढ़ तरफ से आते हैं तो वो साइड से रोड से आप आ सकते हैं। तो ये रहा, जैसे कि देख सकते हैं ये रहा एक थोड़ा कच्चा रास्ता है, तो इससे जाना पड़ता है, 2 से 2.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो इस रास्ते से आ सकते हैं। तो चलते सीधा गाइस, चलिए चलते हैं गारगा डैम की ओर और पूरे क्षेत्र एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है खास, क्या है मज़ेदार, इंटरेस्टिंग आपको वीडियो होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। A few moments later. So guys, finally हम लोग गारगा डैम आ चुके हैं। जैसे कि मेरे बैक से आप देख सकते हैं ये रहा गारगा डैम, और चलिए इसके सामने और दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फुटेज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सुने होंगे कि गारगा डैम के बारे में। तो आज मैं पूरे इस तरह से एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कुछ खास इंटरेस्टिंग तस्वीरें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो ये रहा नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड का कलर निकल गया है। अच्छा, ये रहा व्यू इस तरह का। तो ये जो गारगा डैम है, जो एक्चुअली गारगा नदी का ही सबसे बड़ा डैम है कहा जा सकता है, तो ये है बोकारो से स्टेशन से कुछ दूर, जिसके आप देख सकते हो वहाँ पे है रेलवे स्टेशन, जो आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग, तो वहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर के अंदर है गारगा डैम। और नीचे काफ़ी सारे लोग पिकनिक वगैरह मना रहे, और ये सो दिख रहे हैं, ये थोड़ा व्यू है। अभी थोड़ा पानी कम है, वर्षा का टाइम ये बहुत सारा पानी रहता है गाइस। हैंडल है, वो सब जितने भी गेट है वो सब का ऑपरेट करने के लिए ये सब हैंडल्स है। तो लगभग यहाँ गिना जाए तो ये 5 गेट है, मेन गेट और 5 गेट का ये ऑपरेटिंग करने का ये सिस्टम है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ सिक्योरिटी गार्ड का रहने का कुछ इंतजाम है, यहाँ पर रहते हैं गार्ड सब है, चढ़ने को कुछ देखने के लिए देखिए इस तरह का लाइट भी है, तो नाइट में अगर आते तो ये लाइट से कुछ थोड़ा बहुत नज़ारा देखने को आपको मिल ही जाएगा। उसको थोड़ा रिपेयर वगैरह भी नहीं किया गया है मेरे हिसाब से, लगता है जितना है। और ये रहा बाकी सब को लिफ्ट सब, और ये रहा भी वाटर लेवल को चेक करने के लिए। और ये रहा कुछ ले टाइप का, अगर वीडियोग्राफी के शौकीन है तो यहाँ पे अगर वीडियो वगैरह शूट भी आप कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो गेट जो कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज जैसा लग रहा है देखने में, और हो रहा थोड़ा लेक टाइप का। अगर वीडियो बनाता तो आप काफ़ी सारे अगर वीडियो अगर देखे होंगे झारखंड का, तो काफ़ी सारे वीडियो में ये बताया गया होगा। और ये रहा नीचे का कुछ इस तरह का व्यू। इंटरेस्टिंग प्लेस है गाइज, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा फेमस प्लेस है। इनका टाइम ये बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है गाइज, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, ये रहा इसका गेट सब। और बाकी टाइम जो देख सकते हैं ज़्यादा उतना भीड़ रहता नहीं, तो बस यही कुछ है इस तरह का नज़ारा कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरे नीचे है इस तरह का व्यू, तो ये रहा मेन गेट, इसका आप देख थोड़ा अच्छी तरह से व्यू आ रहा होगा। तो ये रहा व्यू कि इससे लिफ्ट से इसको उठाया जाता है, तब इसका नीचे जो पानी जाता है वो पानी सीधा नीचे चल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर सीधा डायरेक्टली पानी यहाँ पे आ जाता है। तो फिलहाल 1 से या 2 गेट यहाँ पे खुला हुआ है, बाकी पूरा नहीं खुला है, क्योंकि ये जो अगर खुल जाता है तो अगर काफ़ी सारे लोग को ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो इस वजह से ये जगह जो है इस गेट को नहीं खोला गया है। तो आई होप करते हैं कि इस तरह के आप जानकारी लिए होंगे, क्योंकि गारगा डैम ही इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी को एकत्रित किया जाए और काफ़ी सारी ज़रूरतमंद होने के बाद ही वो डैम को खोला जा सके। तो यही डैम का एक खास मोटिव रहता है, खास मकसद से बनाया जाता है। गारगा डैम के अगर लोकेशन की बात किया जाए तो ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और बोकारो स्टेशन से रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर दूर है, 5 से 10 मिनट आप पहुंच जा सकते हैं। थोड़ा खतरा रास्ता है पर कोई नहीं, आप पहुंच जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वीडियोग्राफी के लिए ये प्लेस है। तो अगर आप विजिट करते हैं तो एक बार जरूर आए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फुटेज वगैरह आपको मिल जाए।
अरे भाई नीचे जाने का पूरा मन कर रहा था, पर क्या करे, कुछ लोग थे और व्यू भी अच्छा नहीं रहता, इसलिए नीचे नहीं गए। तो ये रहा कुछ इस तरह का गरगा डैम पूरे अच्छी तरह से। आई होप कि पूरे अच्छी तरह से मैं कवर कर पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो चलिए, वीडियो चले तो मैं इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।